नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आज आप लोगों के लिए इस खास वीडियो में लेकर हाजिर हूं कि देवों के देव महादेव जिन लोगों के सपने में आते हैं उनकी किस्मत चमकती है या फिर बिगड़ती है, किस रूप में महादेव का आना शुभ और किस रूप में शिव जी का सपने में आना अशुभ है, ये सारी चीज़ों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। आशा करती हूँ आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, अभी सावन का महीना चल रहा है जिसे भोलेनाथ का महीना कहा जाता है। इस दौरान कई बार भक्ति में डूबे लोगों के सपने में भगवान शिव से जुड़ी चीज़ें दिखाई देती हैं। कोई डमरू देखता है तो कोई सपने में त्रिशूल देखता है, कोई शिवलिंग देखता है तो कोई सांप और शिवालय। हर सपने का अपना एक अलग अर्थ होता है, जैसा कि हमने अपनी पहले भी कुछ वीडियोस में बताया है कि सपने किसी ना किसी अर्थ के साथ ही आते हैं। तो यहाँ पर सावन के महीने में अगर भोले बाबा से जुड़े कुछ भी चीज़ों को अगर आप अपने सपने में देखते हैं तो क्या संकेत देते हैं, वो किन आने वाली परिस्थितियों की ओर संकेत करते हैं, चलिए इन सब के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सपने का अपना एक महत्व होता है। अगर आप सपने में भोलेनाथ से जुड़ी कुछ चीज़ें देख रहे हैं तो जान लें कि आपके सामने कोई संकट आने वाला है या ये किसी शुभ समाचार का संकेत है। दोस्तों, अगर आप लोग सपने में शिवलिंग देखते हैं या आपको सपने में शिवलिंग नजर आ रहा है तो ये बताता है कि आपकी विपत्ति के दिन खत्म होने वाले हैं। आर्थिक, शारीरिक हर तरह की समस्याएं आपके जीवन से खत्म होने वाली है। वहीं अगर आप सपने में त्रिशूल देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि जन्म, जीवन और मृत्यु से संबंधित संकेत दे रहे हैं भगवान शिव आप सभी को। अगर सपने में आपके त्रिशूल नजर आ जाए तो इसका मतलब है आपका बुरा समय खत्म होगा और किसी बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी। वहीं अगर आप सपने में शिवालय नजर आता है अगर आपको सपने में, तो इसका मतलब है कि आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी और आपकी दिक्कतें भी दूर होंगी। साथ ही ये संतान सुख पाने का भी संकेत होता है। दोस्तों, शिव जी से लिपटा हुआ सर्प अगर आपको सपने में नजर आ जाए तो इसका मतलब है कि आपके पितर आपसे खुश हैं और आपके वंश में भी वृद्धि हो सकती है। वहीं अगर आपको सपने में भगवान शिव का डमरू दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपको करियर में तरक्की मिलने वाली है, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आप लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं तो खुश हो जाइए क्योंकि आपकी ये तलाश खत्म होने वाली है। तो कुछ ये सारी चीज़ें तो है ही जो आपको इंडिकेट करती हैं, आपको इशारा करती हैं कि आपके जीवन में आने वाली कई सारी परेशानियां दूर होने वाली है। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी को हमारी ये खास वीडियो पसंद आई होगी जो इस सावन के महीने में सपने से जुड़ी हुई है। जो भोले बाबा के भक्त हैं वो भोले बाबा की भक्ति में डूबे हैं, लीन हैं, और ऐसे में लाजमी है कि उन्हें भोले बाबा से जुड़े कई सारे सपने जो हैं आते ही होंगे। तो अगर अब आपके सपने में शिव जी से जुड़े ये सारे सपने नज़र आते हैं, ये सारी वस्तुएँ नज़र आती हैं, तो फिक्र मत कीजिए, घबराइए मत, आपके जीवन में क्या कुछ अच्छा होने वाला है वो आप हमारे इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद समझ ही गए होंगे। तो आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर बताइएगा।